वे तो इसका ऑलरेडी हो चुका है, लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो ये नेशनल हाईवे की वाइडनिंग हो रही है उसमें 21 गांव आ रहे हैं। 21 गांव में जो 17 गांव हैं उनमें लैंड एक्विजिशन हो रही है और जो 3 गांव हैं वही अलाइनमेंट है जो पहले एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे की अलाइनमेंट है। बाकी भी जो बहुत सारे विलेजेस हैं उनमें एग्जिस्टिंग के आसपास वाइडनिंग हो रही है और कर्व्स का जो है वो ठीक कर्व्स ठीक कर रहे हैं। सो वहाँ जड़ा वाली गली से लेकर बीजी तक थोड़ी अलाइनमेंट ऑल टुगेदर चेंज है और जहाँ कलाई से लेकर इस एरिया में अलाइनमेंट ऑल टुगेदर चेंज है। वहाँ जो पार वाला जो हमारा बेंच वाला रोड है उसको छोड़ देंगे, जहाँ से कलाई से इसको ले जाएंगे ये सुखा कट्ठा में। तो अभी जो इनका लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग है वो एक एडवांस स्टेज पे है और नेशनल हाईवे में जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं वही लैंड एक्विजिशन कलेक्टर होते हैं, तो उसी को जो प्रोसीडिंग्स अब इनके अवार्ड फाइनल करने हैं तो ग्राउंड पे चेक करने के लिए चीज़ों को कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो ठीक हैं, कहीं कोई हमसे गलती तो नहीं होगी, उसी चीज़ों को चेक करने के लिए आज हमने 2 गांव का एक एक खसरा नंबर पे जाकर लोगों के बीच जो चौकीदार नंबरदार के बीच बैठकर जो है उसको देखा है। और देखने के बाद ये पता चला है कि जो भी आज तक हमने प्रोसीडिंग्स किए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं वो ग्राउंड से मैच करते हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। और उसको हमने काउंटर चेक जो जहाँ के मालिक हैं चौकीदार हैं या नंबरदार हैं या हमारे पास जो एक सर्वे की जो एक गूगल इमेज होती है उसके साथ वो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट के मसावी के साथ टैली करके जो भी हमने काउंटर चेक्स लगाने थे वो लगा लिए हैं और उस हिसाब से जो आज मैंने 2 गांव का वेरिफिकेशन किया है वो दुरुस्त पाया गया है। आने वाले दिनों में भी जो बाकी जो 17 गांव हैं उनका भी 2 हो गए हैं, पीछे रह जाते हैं 15, तो उनका भी जो है फेज्ड मैनर में मैं जो ग्राउंड पे चेकिंग करूंगा, क्योंकि अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक महीने के अंदर अंदर हम जो सारे अवार्ड्स जो हैं वो फाइनल कर देंगे और लोगों को जो उनका कॉम्पनसेशन बनता है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करेंगे। अच्छा, लोगों देखो इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, लोगों का जो है लोगों को भी लोग भी ये बात समझते हैं कि अगर कोई नेशनल हाईवे बनना है तो वो ग्राउंड पे ही बनता है, हवा में तो बन नहीं सकता है। तो लोगों का जो है वो ताबुन जो ठीक ही है, लेकिन लोगों के कुछ ऐसे रहते हैं कि उनको कंपनसेशन में जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कंपनसेशन जो मार्केट रेट के कहीं आसपास मिल जाए और उनको जो ज़मीनें आसपास बसती हैं उनका दूसरा पहलू ये होता है कि उनकी ज़मीनों की कास्ट बढ़ जाती है, तो कहीं कहीं जो जिन लोगों के पास ज़मीनें बच रही हैं तो वो खुश होंगे। अगर किसी की सारी ज़मीन आ रही है तो हो सकता है उस आदमी को जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो नेशनल हाईवे होते हैं जो बनने तो ज़मीन पे ही हैं, अलाइनमेंट जो है इनकी साइंटिफिकली चेक होती है, साइंटिफिकली डिज़ाइन होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अथॉरिटीज़ होती हैं जो इसको फाइनल करती हैं। जो अलाइनमेंट बन गई है वो हमें भी माननी है, लोगों को भी माननी है, लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है पूरा तआवुन कर रहे हैं।